हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता है, जब आप लेक्चर देखेंगे वही वाला टाइमिंग में बोल रही हूँ। ये जो लेक्चर है ये स्पेशल लेक्चर है, बिकॉज काफी सारे पेरेंट्स की डिमांड थी और काफी बच्चों के मैसेजेस मुझे मिले थे। उन्होंने कहा था कि मैडम, 10th क्लास का जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है वो आप एक्सप्लेन करिए, और अगर आपके आजू बाजू में भी जिसको ये लेक्चर मिल रहा है कोई 10th का स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आप उसको शेयर करिए। और ये जो लेक्चर है मैं काफी पार्ट्स में बनाऊंगी, बिकॉज इट इज अ लेंथी चैप्टर एंड एज इट कंटेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ये पोर्शन चाहिए, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा। और इससे पहले मेरा जो मेरा पहला वीडियो है उसमें अगर आपने देखा हो तो मैंने लिविंग थिंग को एक्सप्लेन किया है। तो लिविंग थिंग की जब बात करते हैं, वहां पर मैंने एक वर्ड बोला था, वाइटल प्रोसेसेस। वाइटल प्रोसेसेस की जब अपन बात करते हैं तो वही जाकर आता है लाइफ प्रोसेसेस। अगर कोई भी लाइफ प्रोसेस आपको स्टडी करनी है तो सबसे पहले उनका कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ खाता है, न्यूट्रिशन करता है। जब वो न्यूट्रिशन करता है एज इट न्यूट्रिट, तो न्यूट्रिशन के साथ ही उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब न्यूट्रिशन किया है तो वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा और अगर ग्रो हुआ है तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। अब खाना लेने के लिए इधर उधर जाना भी तो पड़ता है, तो मूवमेंट भी तो करेगा। अब देखो, 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन दो चीजें और भी बाकी है। अब वो आप उसको क्या बोल रहे हो, रिप्रोडक्शन करेगा तो सेंसेशन भी तो होने चाहिए उसमें, तो वो सेंस ऑर्गन भी यानी सेंसेशन भी करता है। और मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसको वापस थप्पड़ मारते हो, बिकॉज आपको थप्पड़ फील हुआ है। तो सेंसेशन यानी लाइफ प्रोसेस में सेंसेशन भी एक पार्ट हो जाएगा। फिर स्केलेटल सिस्टम की अपन बात कर सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम भी हो जाता है। अगर वो जिंदा है तो वो सांस भी तो लेगा, तो वो रेस्पिरेशन, वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 प्रोसेसेस जो है हर ऑर्गेनिज्म के लिए अगर वो लिविंग है तो जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ये सारी प्रोसेसेस को अगर कंपाइल फॉर्म में आप स्टडी करते हो तो उसको आप कहते हो लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया, तो सबसे पहले अपन चलते हैं न्यूट्रिशन पे। अगर वो शुरू वहीं से हो रहा है तो न्यूट्रिशन पे चलते हैं। न्यूट्रिशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, अगर वो खुद ही बना रहा है तो वो ऑटोट्रॉप हो जाता है, और अगर वो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहता है तो वो हेटरोट्रॉप हो जाता है। तो न्यूट्रिशन की बात अपन करें, इनटेक ऑफ फूड। हम कैसे हैं, हेटरोट्रॉप से, बहुत ही आलसी टाइप के हैं। मतलब हम तो हमारे प्लांट्स के जैसे खुद खाना बनाएंगे नहीं, बस हम जो प्लांट ने जो उगा के रखा है उसको लाके किचन में टिक 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 करके अपना खाना बना देंगे। तो सबसे पहले इंटेक ऑफ फूड में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ले रहा है तो वो उसका न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर वो खुद सिंथेसिस करता है तो उन्हें एक कैटेगरी में डाला जाता है ऑटोट्रॉप, और अगर वो ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब देखिए, सबसे मजेदार बात कैसे हो जाएगी, अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप की, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, तो उनको क्या चाहिए होता है, एक तो सनलाइट चाहिए होता है, प्लांट्स आपने चारों तरफ देखे होंगे, और दूसरा उनको चाहिए होता है क्लोरोफिल। क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। अब देखिए, जो ऑटोट्रॉप्स है वो अपना फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड, और सिंथेसिस ऑफ फूड में फॉर एग्जाम्पल वो क्या यूज करते हैं, CO2 और H2, और ये CO2 और H2 मिलकर क्या बनाती है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस वॉटर। ठीक है, ये जो पूरी रिएक्शन होती है जिसे अपन फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ये हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करना है, अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए और यहाँ पे आप 12 लगा दीजिए, ये 6 और ये 6 तो हो ही जाएंगे। फिर यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं क्लोरोफिल, और एक हो जाएगा सनलाइट, यानी दोज
organism which synthesize their food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is known as autotrophs. यानी इतनी मेहनत करके उन्होंने अपना खाना बनाया और ये जो ग्लूकोज है, ये जो उनका कार्बोहाइड्रेट बना है, वो उसको एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है? और जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि प्लांट क्या करेंगे, जब उनके सीड को डाला जाता है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और सीडलिंग बनता है. अब देखिए, जब क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, प्लास्टिड का लेक्चर अगर आपने मेरा देखा हो तो जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है? लीव्स के अंदर. बिकॉज लीव्स में क्या होते हैं, जो लीव्स होती है प्लांट की, लीव्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट. ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें होता है क्लोरोफिल और यही हेल्प करता है यहां पर फोटोसिंथेसिस के अंदर. तो देखिए, क्लोरोफिल ने हेल्प करी. फिर CO2 अगर गैस है तो इसका गैसियस एक्सचेंज भी होगा. ये गैसेस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स में क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं स्टोमेटा. क्या होते हैं? स्टोमेटा. यानी स्टोमेटा जो है दैट हेल्प फॉर द गैसियस एक्सचेंज. मतलब कौन सी गैस लेनी है, कौन सी गैस छोड़नी है, इसका काम कौन करेंगे? स्टोमेटा करेंगे. अब उनको भी बना, उसको स्ट्रक्चर में आपको बताती, उनकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है. ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये जो होती है गार्ड सेल्स होती है. जब पानी गार्ड सेल के अंदर जाता है तो गार्ड सेल्स फूल जाती है, ओके? और जब पानी इससे बाहर निकलता है तो गार्ड सेल सिकुड़ जाती है. जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा तो स्वेल होगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. यानी गार्ड सेल स्वेल हुई तो स्टोमेटा क्या हुए? ओपन हो गए. और अगर गार्ड सेल श्रिंक हो गई यानी सिकुड़ गई तो स्टोमेटा क्लोज हो गए. अब पूरे टाइम तो प्लांट अपना खाना बनाएगा नहीं, मतलब कुछ तो पर्टिकुलर टाइम होगा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो रात को तो हो नहीं पाएगा. तो ऐसे सारे प्लांट जो डे टाइम में अपना खाना बनाते हैं, उनके स्टोमेटा मॉर्निंग में तो ओपन रहेंगे, पूरे टाइम ओपन रहेंगे डे में, लेकिन नाइट में क्या होगा, वो क्लोज हो जाते हैं. लेकिन आपको यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना है. अगर आप बात करें डेजर्ट प्लांट की, यानी जो बहुत ज्यादा गर्मी में ग्रो हो रहे हैं, डेजर्ट प्लांट जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक मजेदार फैक्ट आपको याद रखना है. वो क्या करते हैं, नाइट, मतलब पूरे दिन में उनको पता है कि भाई अब तो गर्मी भयंकर पड़ रही है, तो रात में वो क्या करेंगे, रात में उनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और वो मैलिक एसिड जो होता है उसका इंटरमीडिएट बना के रख देते हैं. मतलब आधा काम रात को करेंगे, आधा काम दिन में करेंगे. यानी वन ऑफ द इंटरमीडिएट विल फॉर्म इन द ड्यूरिंग द नाइट एंड देन दैट इंटरमीडिएट विल कन्वर्ट इन द कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू द डे टाइमिंग, ओके? मतलब उनका डेजर्ट का जो प्लांट्स का होता है, उनका सिस्टम थोड़े नॉर्मल प्लांट से थोड़ा सा अलग होता है. वो नाइट के टाइम में मैलिक एसिड बना के उसको मॉर्निंग में यूज करते हैं. तो उनका जो वेरिएशन है नॉर्मल प्लांट से है अलग थोड़ा सा. ये सारी बात ऑटोट्रॉप्स की हो जाती है. अब देखिए, अब जब भी ये प्रोसेस हो रही होती है, ये CO2 H2O ये सारा, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. पहली कैटेगरी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी सनलाइट है ना, तो ये नंबर वन हो गया. इस नंबर वन को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. फिर देखिए, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. अब ये लाइट की एनर्जी से केमिकल बना दिया, कुछ हो गया, ये ग्लूकोज बना और कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी. और ग्लूकोज बनने के साथ साथ इसको आप एक और चीज कह सकते हो, जो कार्बन है उसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू द ग्लूकोज, ओके, या कार्बोहाइड्रेट. तो आप इस पूरी प्रोसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी सनलाइट को यूज किया. सेकेंड जो होगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ केमिकल बनाना. और थर्ड प्रोसेस जो जाएगा वो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? यानी ये सारा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑटोट्रॉप्स का फंक्शन हो गया. ये ऑटोट्रॉप को आपने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया. अब अगर बात करें डेजर्ट प्लांट की, तो वहां पे आपको क्या करना है, दे टेक CO2 एट द नाइट एंड फॉर्म मैलिक एसिड इंटरमीडिएट एंड एब्जॉर्प्शन उसका कराएंगे मॉर्निंग में. मतलब उसको चेंज कब करेंगे, मॉर्निंग में. तो डेजर्ट प्लांट का आपको नोट बना के नीचे लिख लेना है कि डेजर्ट प्लांट CO2 नाइट में लेते हैं और डे में फूड बनाते हैं. मतलब आधा काम रात में, आधा काम दिन में, इसीलिए उनको थोड़ा सा इससे अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. अब अगर बात करें तो ये सारा जो हो जाता है ऑटोट्रॉप्स का हो जाता है. ऑटोट्रॉप के बाद जो अगला होता है वो हो जाएगा आपका हेटरोट्रॉप्स. अब हेटरोट्रॉप्स में हम भी आते हैं,
दूसरे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं तो हाइटरोट्रॉफ होते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा अलग अलग मतलब उनका लेने का फूड लेने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे होता है। मालिक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फंजाई की बात कर दूं तो ये तो माशाल्लाह है, ये फंजाई क्या करेगी, बॉडी से बाहर ही खाने को अब्सॉर्ब करा देगी, मतलब तोड़ भाड़ जो भी करनी है बॉडी से बाहर ही कर देगी। फॉर एग्जांपल ये कोई एक फूड पार्टिकल है, फंजाई इस पे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज कराती है और ये फूड पार्टिकल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको वापस से एब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये भी एक तरह के हेटरोट्रॉप्स हो गए, फंजाइज आल्सो हेटरोट्रॉप, मतलब खुद बना नहीं रही है लेकिन जो सारा कटिंग एंड एब्जॉर्प्शन है, मतलब कटिंग कटिंग जो हो रही है बॉडी बॉडी के बाहर हो रही है। कॉम्प्लेक्स पार्टिकल सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं पैरासाइट्स का, पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जू जो है या कसकटा कह दूं, अमरबेल कह दूं, ये टिक्स एंड लाइसेज कह दूं, तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, पैरासाइट्स हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसको बिना मारे उसका खाना चूस लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कसकटा, अमरबेल भी कहते हैं जिसको, ये दूसरे प्लांट पे जाएंगे, प्लांट के ऊपर रहेंगे, प्लांट के अंदर से जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे और प्लांट को मारेंगे वारेंगे नहीं। जैसे टिक्स एंड लाइस, हमारे बालों में भी तो जू रहती है ना, हमें मारती थोड़ी ना है, हमारा खून चूस लेती है, तो टिक्स एंड लाइस दीज आर आल्सो द पैरासाइट्स। अब सीधा साधा बेचारा बचता कौन है ना, बाद में एक ह्यूमन बच जाता है। फॉर अगर मैं और बताती हूँ आपको, देखो अमीबा की अगर मैं बात करूं, यूनिसेलुलर है अमीबा, क्या करेगा कोई भी फूड पार्टिकल के पास जब वो जाता है तो वो क्या करता है, स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया, दीज आर द स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को घेर लेते हैं और फिर उसको अंदर ले लेते हैं फूड वैक्यूल बना के। अब ये फूड वैक्यूल जो है इसके अंदर पार्टिकल्स जो होंगे ना वो टूट जाएंगे, मतलब नॉर्मल कंडीशन में चले गए, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स थे जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए, जितना चाहिए था उतना बॉडी में एब्जॉर्ब किया और बाकी अनडाइजेस्टेड बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ऐसे कैसे अगर पैरामीशन की बात करूं तो उसमें भी सीलिया होता है और पर्टिकुलर एक स्पॉट होता है वहां से फूड अंदर जा रहा है सीलिया की हेल्प से, तो पैरामीशन में भी कुछ इस तरह होता है। अब देखो ये सारे एग्जांपल तो मैंने आपको बताया, पैरामीशन की बात करूं यहां पे तो पैरामीशन में एक फूड स्पॉट होता है, क्या हो जाएगा, फूड स्पॉट, वहां से फूड अंदर जाता है सीलिया की हेल्प से। तो ये सारे तो कॉमन कॉमन एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा जो बसता है मेन मेन हेटरोट्रॉफ में कौन बसते हैं, हम बसते हैं, तो हम हमारे अंदर कैसा हो जाता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये खुद एक पर्टिकुलर लंबा टॉपिक है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक और बात मैं बताना भूल गई, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो बायोकैटलिस्ट को यूज करते हैं। बायोकैटलिस्ट वो एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या उनकी प्रोसेसेस को और आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो यहां तक का लेक्चर जो है वो अभी यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर कोई आपके आसपास है 10th का स्टूडेंट है तो उसको भी आप ये लेक्चर शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो जाए लॉकडाउन के टाइम में। ओके, बाय।